मंत्री आई एम अ बिजनेसमैन. मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है. मुझे अक्सर अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया. ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज से ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूँगा सर. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है. वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम मिले. अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते क्यों ये हराम है. और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में. तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो. और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे. ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है. और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा. भाई साहब पूछे क्यों बुरा है, क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है. अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है. आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये है मेरे पास वो है तो उसको लोन मिलता है. तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है. इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे. और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे. मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है. और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12%, आपको देना ही देना नुकसान या मुनाफा. लेकिन तो आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे. ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूँगा कि ब्याज में क्या होता है. मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को. बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को. बैंक सी 10% रखती, 90% देखती डी को, डी देता है ई को. तो लोग कहते हैं मार्केट में 1000 रुपये है कितने 100 रुपया. तो आज की तहकी कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 trillion, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 trillion. एक जन बैठता है सब लोग बैठने शुरू होते, लीमैन ब्रदर्स. कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक. तो क्योंकि इट डजेंट इंप्रूव द सोसाइटी. इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है. सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब को, शराब खाने को, कॉमन हो गया. इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमल्गेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है उसके ऊपर तकरीर मैंने की है, अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम है. लेकिन इन शॉर्ट वापिस से आज जापान अमेरिका सेंडिंग एम्बेसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए. हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में. लेकिन RBI परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की. इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके, इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए.
कृष्ण गोपाल सिंह पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान। तो इस जुमले के वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान के आयते गोया के वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया के वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है, मिसाल के तौर पे 9/11 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे, मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है किसने क्या, मैं जानता नहीं हूं, मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास, प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं, इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए, पैलेस्टाइन में हो रहा है मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है, इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है।